हाय पूजा, हाय वनीता, हाय नंदना। शेयर कर दो ग्रुप में, देन विल स्टार्ट बुक्स एंड ऑथर मॉक टेस्ट। ओके, गुड आफ्टरनून खुशबू। हाय कंचन, हाय प्रांजल, हाय शिवानी, हाय रेणुका, हाय रेणुका, गुड आफ्टरनून। हाय दीपा, शेयर कर दो सभी ग्रुप में, देन विल स्टार्ट। शेयर इट फास्टर। ओके, कर दिया खुशबू। चलो देन विल स्टार्ट। ओके ठीक है, और आज आपको 30 out of 30, #30 out of 30। ओके ठीक यस, 30 out of 30। ओके हाँ जी खुशबू, पॉज हो गई थी। ठीक है ठीक है, मैं म्यूट कर रखा था मैंने, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। 30 out of 30। ओके, गुड आफ्टरनून पूनम, गुड आफ्टरनून आश। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं जितने आने थे। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, आ तो रही है अब। ठीक है ना आप सभी? ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड के ऑथर का नाम क्या है? विक्रम सेठ, एरिक सेजल, ई एम फोस्टर, निराज सी चौधरी। नंदना दी, ओके कंचन, डी एश, डी पूजा, डी वनीता, डी खुशबू, डी पूनम, डी ओके शिवानी, डी दीपा, डी निराज सी चौधरी। ठीक है प्रांजल, करेक्ट आंसर इज डी। ओके करेक्ट, निराज सी चौधरी इज दी ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, बताओ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति रॉय, शोभा दे, पुपुल जयकर, शेखर कपूर। व्हाट इज द आंसर? ए ओके स्पार्कल, कंचन, शिवानी, पूनम, नंदना, वनीता। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल आंसर इज करेक्ट। आंसर इज ए, अरुंधति रॉय इज द करेक्ट आंसर। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज
A book that brought awareness of environment all over the world was Silent Spring. ठीक है, नाम है Silent Spring. तो ये किसने लिखी थी? जॉन सेमर, रेशेल कार्सन, जूलियन हग्सले, फ्रैंक ग्राहम जॉर. बताओ भाई. नंदना बी. स्प्रिंग साइलेंट. स्प्रिंग साइलेंट किसने लिखी थी भाई? बी. ओके. खुशबू, पूनम, लक्ष्य, साक्षी, वनीता, दीपा, शिवानी, ऐश. करेक्ट आंसर इज बी. आंसर इज बी. रशेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी. और ये जो साइलेंट स्प्रिंग थी, ये अवेयरनेस कर रही थी ऑफ द एनवायरनमेंट के. ओके, तो ये भी आ सकता है कि साइलेंट स्प्रिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस बुक की ऑब्जेक्टिव क्या था. फोर्थ क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेरी करेक्टर स्वामी. मतलब ऐसी स्वामी करेक्टर किसने जो अनफॉरगेटेबल है, ऐसा स्वामी करेक्टर किसने क्रिएट किया था? विक्रम सेठ, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, हरिवंश राय बच्चन. अपनी किसी स्टोरी में अनफॉरगेटेबल जो ये कैरेक्टर था स्वामी का, ये किसने किया था? अथीरा सी. ओके, आर्मी लवर आर के. ठीक है, स्पार्कल सी, नंदना सी, दीपा सी, ऐश सी, प्रांजल, साक्षी, साक्षी. ओके, रेणुका. करेक्ट आंसर इज सी. यस करेक्ट वनीता. आर के नारायण. यस लक्ष्य. फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ. ओके कंचन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस. कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थॉमस हार्डी, एल्डस हग्सले, बर्ट्रैंड रूसेल. फिफ्थ का बताओ. नंदना डी, पूजा सी, अथीरा ए. वैरायटी आई आज तो भाई. डी सी ए बी भी आ गई. सारे आप ऑप्शन आ गए भाई. चलो भाई, सारे ऑप्शन आ गए. खुशबू डी, कंचन डी. अच्छा और कोई? शिवानी डी, रेणुका सी, साक्षी डी, दीपा डी, ऐश डी. करेक्ट आंसर इज डी, बर्ट्रैंड रूसेल. ओके करेक्ट आंसर. ओके पूजा, पहले का था वो. ठीक है ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा ऑन विच द फिल्म कॉल्ड द मेकिंग ऑफ द महात्मा इज बेस्ड. ये बुक का नाम है. ओके, बुक का नाम अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा है और इसके ऊपर फिल्म बनी है द मेकिंग ऑफ द महात्मा. और ये किसके ऊपर बेस्ड, मतलब किस ऑथर ने लिखी है ये? फातिमा मीर, शोभा दी, श्याम बंगाल, अरुंधति रॉय. नंदना ए, पूनम डी. ओके लक्ष्य डी. प्रांजल ए, शिवानी डी, वनीता डी. ओके खुशबू ए. सभी डी क्यों बोल रहे हैं? मानती हूँ कि अरुंधति रॉय बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अरुंधति रॉय हमेशा तो नहीं आएगी ना ऑप्शंस में. सारे डी बता रहे हैं. यस ओके, कंचन ए, ऐश डी, पूजा ए, साक्षी ए, दीपा ए, आर्मी लवर. ओके ए करेक्ट आंसर इज ए, फातिमा मीर. ठीक है, फातिमा मीर ने अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा लिखी थी और इसके ऊपर फिल्म बेस्ड है द मेकिंग ऑफ द महात्मा. ओके सेवेंथ क्वेश्चन, इंडिका वॉज रिटन बाय. इंडिका
बुक जो है वो किसने लिखी थी? प्लिनी, स्ट्राबो, जस्टिन, मेगस्थनीज, किसने लिखी थी? मेगास्थनीज भी बहुत बड़े ऑथर हैं, थे। डी ओके डी करेक्ट आंसर इज डी, मेगास्थनीज इज दी करेक्ट आंसर, इन्होंने इंडिका लिखी है। ओके चलो नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन बताओ, आपको मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। ओके करेक्टली मैच बताना है आपको। ओके डू और डाई जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली चलो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, स्वराज इज माई बर्थ राइट स्वामी दयानंद। अब मुझे करेक्ट बताओ कौन सा है। सी सी ओके ओके भाई बिल्कुल ठीक है। यामिनी, वनीता, प्रांजल, कंचन, ओके भाई बिल्कुल ठीक है। आंसर इज सी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखी थी, बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, गीता गोविंदा द फेमस पोएम वॉज रिटन बाय, गीता गोविंदा जो फेमस पोएम है किन्होंने लिखी है? जयंत, जय देवा, जय सिम्हा, जय चंद्रा। गीता गोविंदा, ऐश बी, नंदना बी, शिवानी बी, अथिरा बी, यामिनी बी, ओके स्पार्कल, रेणुका, साक्षी, वनीता, लक्ष्य, करेक्ट। अच्छा भाई बिल्कुल ठीक है, आज तो सारे ठीक बोल रहे हो। आंसर इज बी, जयदेव, इन्होंने गीता गोविंदा लिखी थी, ये बहुत फेमस पोएम है। ओके टेंथ क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द इंडियन स्ट्रगल, एनी बेसेंट, चित्रंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बताओ। ओके नंदना सी, स्पार्कल सी, वीना सी, आमिलावा जया, अच्छा पहले वाले का ठीक है, लक्ष्य सी, ऐश सी, रेणुका सी, सी सी, योगेश, श्रेया, साक्षी, पूनम, पूजा, खुशबू, वनीता, दीपा, शिवानी, प्रांजल, ओके भाई बिल्कुल ठीक है। टेंथ का इज आंसर इज सी। चलो भाई बिल्कुल ठीक है, अब मुझे बताओ इलेवेंथ का आंसर, कार्ल मार्क्स बुक दास कैपिटल वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी? इन 1870। नंदना ए, 1867। खुशबू ए, अथिरा ए, साक्षी ए, ऐश ए, पूजा ए, ओके भाई ठीक है ए बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे आंसर इज ए, 1867। ओके 1867 में ये पब्लिश हुई थी, कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय कमला दास, कम है जिन्होंने लिखी है? अर्थ एंड एशेज, विटनेस,
The night, the red devil. Tonight, this savage rite. बताओ. अर्थ एंड एशेस विटनेस द रेड डेविल टू नाइट द सेवेज राइट. कमला दास की बतानी है आपको. ओके रेणुका सी. श्योर. और बताओ भाई, सारे बताओ ना. कौन सी नहीं मतलब कौन सी उन्होंने लिखी है बुक बी. इसका मतलब तुम सारे के सारे कंफ्यूज हो, मतलब कि तुक्का मार रहे हो. हाँ मुझे आंसर बताना पड़ेगा. नंदना डी. अच्छा साक्षी डी. नयाना बी. ऐश डी. श्रेया पांडे डी. पूनम डी. शिवानी ए. खुशबू डी. आर्मी लवर टुनाइट. ओके दीपा डी. लक्ष्य डी. वनीता. ओके लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर इज डी. टुनाइट दिस रेविट्स राइट. ये कमला दास. अब मुझे ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक्स इज इनकरेक्टली मैच्ड. इनकरेक्टली कौन सा मैच है. बाद में ये नहीं कहना कि हमने इनकरेक्टली नहीं देखा. इनकरेक्टली बना आपको. मेगास्थनीज इंडिका. ये तो बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा था अभी. विशाखा दत्ता. मुद्राकर शाह. कौटिल्य अर्थशास्त्र. नागार्जुना. ध्रुवा स्वामी. वीडियो बहुत रुक रहा है, ये कैसे. बिल्कुल ठीक चल रहा है. ओके डी बी बी. अच्छा भाई तुम बी और डी में हो कंफ्यूज, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि मेगास्थनीज की इंडिका है. और ये भी पता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र है. ओके भाई ठीक है. चलो लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर इज डी. नागार्जुना ने ध्रुवा स्वामी नहीं लिखी थी. ओके आंसर इज डी. ठीक है. 14th क्वेश्चन. द बुक शैडो ऑफ अ प्रिंसेस. शैडो ऑफ अ प्रिंसेस इज अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ प्रिंसेस डियानाज लाइफ. इट इज रिटन बाय. बताइए डियानाज लाइफ के ऊपर ये बुक लिखी गई है शैडो ऑफ अ प्रिंसेस. किसने लिखी है. बायरन लॉर्ड. जेम्स जीन्स. पैट्रिक जेफसन. क्लाइव पॉन्टिंग. बी का. ओके नंदना सी. साक्षी सी. दीपा सी. अथिरा सी. साक्षी सी. डियानाज की लाइफ. प्रिंसेस डियाना. ओके आंसर इज सी. करेक्ट. बहुत अच्छे. आंसर इज सी. पैट्रिक जेब्सन. ओके ठीक है. 15th क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ज़िगज़ैग वे. और ये क्वेश्चन एक एंट्रेंस में आ रखा है, शायद एमएनएस में आ रखा हो. आई एम नॉट श्योर बट यस आ रखा है ये क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ज़िगज़ैग वे. लीजा जिनोवा. जानवी बरुआ. सिमरन सोधी. अनीता देसाई. गुड आफ्टरनून वर्षा. अथिरा डी. स्पार्कल डी. अंकित डी. रेणुका डी. ऐश डी. पूजा डी. साक्षी डी. दीपा डी. ओके वनीता डी. 15 का सिमरन सोधी. वर्षा. कंचन का डी. लक्ष्य डी. प्रांजल डी. लाऊंगी डी. शिवानी डी. पूनम नंदना श्रेया. करेक्ट आंसर इज डी. अनीता देसाई. अनीता देसाई इज द ऑथर ऑफ दिस एग्जैक्ट वे. ओके चलो. यस खुशबू. करेक्ट. 16th. द राइटर ऑफ द बुक
एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज, ये बुक का नाम है और किन्होंने लिखी है ये बताओ। रॉबिन्स, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, SMT.what, जॉन रॉबिन्सन। ओके, ठीक है, मैं दे दूंगी कंचन, आई विल शेयर दिस। बी बी यस मधु, करेक्ट आंसर इज बी, एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ इज द राइटर ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के ऑथर कौन है? एम के गांधी, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। मधु ए, ओके, लक्ष्य सी, ओके, दीपा ए, अथिरा डी, नंदना ए। एम के गांधी सुनकर कंफ्यूज मत होना, ये है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, नो, आंसर इज नॉट जवाहरलाल नेहरू, आंसर इज ए, एम के गांधी। ओके, आंसर इज इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज रिटन बाय गांधी जी। ओके, 18th क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द फेमस प्ले नील दर्पण डिपिक्टिंग द एट्रोसाइट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स जो इंडिगो जो करते थे ना, ग्रो करते थे, उसके बेसिस पर एक नील दर्पण जो प्ले होता है वो डिपिक्ट किया था, किसने किसने लिखा था ये? प्रेमचंद, सुब्रमण्या भारती, दीनाबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई नहीं वर्षा, इट्स ओके। मधु डी, स्पार्कल सी, अथिरा सी, साक्षी, ओके, सी, करेक्ट आंसर इज सी, दीन बंधु मित्र, इन्होंने लिखी थी नील दर्पण प्ले, करेक्ट आंसर कंचन। 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स वॉज नॉट रिटन बाय आर के नारायण? ओके मधु, करेक्ट, ठीक है वर्षा, आर के नारायण की कौन सी यहाँ पर इनमें से कौन सी नहीं है? गाइड, मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, गार्डनर। आर के नारायण की कौन सी नहीं है? मधु डी, ओके, स्पार्कल डी, खुशबू सी, शिवानी डी। 19 मालगुडी डेज नहीं वर्षा, वो उन्होंने लिखी है, बी क्यों बोल रहे हैं सारे? डी, सी, कंचन सी, आंसर इज डी, गार्डनर, आंसर इज डी, ये इन्होंने नहीं लिखी है, ये तीनों के तीनों लिखी है। अरे मुझे लगा कौन सी है, मैं वही तो बोल रही थी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो ना कि नॉट रिटन। चलो 20th क्वेश्चन, विच इज द ग्रीक क्लासिक दैट गांधी ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती, ग्रीक में लिखी हुई थी वो बुक, उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया गांधी जी ने, तो वो कौन सी थी? प्लेटोज रिपब्लिक, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल्स निकोमशियन एथिक्स, बताओ।
ओके पूनम, अच्छा पहले का बता रहे थे वो, ठीक है। अथिरा, रेणुका, सी साक्षी, खुशबू, डी कंचन, ए ठीक शिफा, सी पारसी, सी ऐश, सी अंकिता, सी अंकित, सी सॉरी 20 का बताओ। सभी सी क्यों बोल रहे हैं? अच्छा कंचन सी होगा? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा सी। आंसर इज ए। प्लेटोज रिपब्लिक की थी उन्होंने ट्रांसलेट गुजराती के अंदर। यस ऐश नंदना, आंसर इज ए प्लेटोज रिपब्लिक। 21st क्वेश्चन बताओ। हु इज द ऑथर ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन? द कंपनी ऑफ वुमेन के ऑथर कौन है? जॉन ग्रे, डिक फ्रांसिस, डेविड बेलडेसी, कुशवंत सिंह। ट्वेंटी फर्स्ट का बताओ। नंदना डी, स्पार्कल बी, अथिरा डी, पारसी डी, साक्षी डी, आर्मी लवर डी, पूजा डी, दीपा डी, प्रांजल डी, साक्षी डी, खुशबू डी, वनीता, पूनम शायद ए। अच्छा पहले का 20 का, हाँ ए ही था। ऐश डी, लक्ष्य, श्रेया, रेणुका, कंचन। करेक्ट आंसर इज डी। खुशवंत सिंह ने लिखी थी दी वुमेन ऑफ वुमेन, सॉरी द कंपनी ऑफ वुमेन। 22। द राइटर हु रिफ्यूज दी नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज? जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया नोबल प्राइज लेने के लिए। प्रेमचंद, बोरिस पास्टनाक, जीन पाल सात्रे और विट्सन चर्चहिल। बफरिंग हो रही है। पूनम डी, पारसी ए, पाकल ए, अंकित डी, रेणुका ए, शिवानी, नंदना, शिफा, प्रांजल, अंकित डी, साक्षी ए, ए ए ए ओके। किसने सही आंसर ही नहीं बताया? ए कैसे? प्रेमचंद ने रिफ्यूज कर दिया था नोबेल प्राइज लेने के लिए। चलो लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर किसी का भी ठीक नहीं है शायद। आंसर इज बी बोरिस पास्टरनैक। ओके इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था नोबेल प्राइज लिटरेचर में लेने के लिए। आंसर इज बी। हाँ जी ऐश्वर्या, आप लिख दो आप। ठीक है भाई, सारे लिख दो। अब भी ए वालों, प्रेमचंद वालों, सारे लिख दो अब भी। चलो 23rd। विच अमंग्स दी फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय डॉक्टर हरीश हरिवंश राय बच्चन, सॉरी हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी बुक लिखी थी? प्रतीक्षा, कामयानी, चिदंबरा, कपला कुंडला। ओके कंचन भी था, ठीक है बिल्कुल ठीक था आपका। ओके लक्ष्य, अंकित, पाकल, पूजा, दीपा, साक्षी, ऐश, बी सारे सी बता रहे। ओके ओके नया ना सी। कंचन बफ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? और किसी का नहीं हो रहा? कंचन देख लो नेट में प्रॉब्लम होगी कुछ। चलो भाई सी वाले हो, मैं बताती हूँ आंसर क्या है। सारे के सारे सी बता रहे हैं, बट आंसर तो और कुछ है। और जब मैं आंसर बताऊंगी जब तुम्हारा ओ ऐसे निकल जाएगा ओ।
सो द आंसर इज ए प्रतीक्षा. आंसर इज ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने प्रतीक्षा लिखी थी. ओके बुक लिखी थी प्रतीक्षा. नॉट सी चिदम्बरम नहीं है. 24th क्वेश्चन. 24th क्वेश्चन. द बुक ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस इज रिटन बाय विक्रम सेठ, तरुण तेजपाल, यशवंत सिंह, निराज सी चौधरी. ओके अंकित ए, पारसी ए, स्पार्कल ए, रेणुका डी, नंदना सी, लक्ष्य ए, मानवी ए, साक्षी सी. ए सभी ए क्यों बता रहे? विक्रम सेठ नहीं आंसर. आंसर इज सी कुशवंत सिंह. कुशवंत सिंह ने लिखी थी. ओके दिस बुक इज रिटन बाय कुशवंत सिंह. 25th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय अ नोबल लॉटरेट? बताओ जिनको नोबल प्राइज को नहीं मिल रखा है, जिनको मिल रखा है उन्होंने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? हाफ अ लाइफ, बियॉन्ड बिलीफ, माइगिल स्ट्रीट, मिडनाइट चिल्ड्रन. कि जिसे मिल रखा है नोबेल प्राइज बट उन्होंने लिखी नहीं है इनमें से कोई सी बुक. पूजा खुशबू सी, अंकित डी, पारसी बी, मानवी बी. अच्छा सी पहले का था खुशबू. ठीक है प्रांजल बी सी डी. चलो मैं लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर इज डी मिडनाइट चिल्ड्रन. आंसर इज डी नॉट बी नॉट ए नॉट सी. आंसर इज डी. 26th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बुक्स इज एसोसिएटेड विद ऑस्टिन? बताइए. लेवियथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चरर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस, द प्रॉब्लम ऑफ सबॉर्डिनिटी. कौन सी बुक ऑस्टिन ने लिखी बताओ? मानवी ए, रेणुका डी. नंदना सी, अथिरा बी, दीपा ए, लक्ष्य डी, कंचन सी, साक्षी ए, आर मिलवर ए. आंसर इज सी. लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इज एसोसिएटेड विद ऑस्टिन. ओके आंसर इज सी. 27th क्वेश्चन. हु हैज़ रिटन द बुक द वाइट कैस्टल? द वाइट कैस्टल किसने लिखी है? किन्होंने लिखी? आर के नारायण, विक्रम सेठ, औरन, पैमुक, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम. प्रांजल डी, मानवी सी, सॉरी प्रांजल सी, मानवी सी, कंचन सी, अथिरा सी, नंदना सी, ऐश सी, साक्षी सी, वनीता, शिवानी, दीपा सी. करेक्ट. लक्ष्य, प्रांजल सी. करेक्ट आंसर इज पूजा सी. ओके अंकित. ऑर्फन पैमुक ने ये वाइट कैस्टल लिखी है. ओके
28th क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक, अच्छा पहले का था, कोई नहीं आंसर तो सी था, पहले का भी सी लिखा था आपने. 28th का क्वेश्चन का बताओ आंसर. द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज रिटन बाय तारा अली बेग, एम के गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. अथिरा, कंचन, रेणुका, लक्ष्य, साक्षी, पूजा, खुशबू. ओके करेक्ट. 29th क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द सैटेनिक वर्सेस इज, सैटेनिक वर्सेस के ऑथर कौन है? राममूर्ति, कुशलदास, जॉन ग्रिशम, सलमान रुशिदी. ये रुशीदी हैं. बताइए आंसर. द ऑथर ऑफ द सैटेनिक वर्सेस, दीपा डी, साक्षी, शिवानी एश, मानवी, कंचन, पूजा, खुशबू, रेणुका, प्रिंजल, वनीता, पूनम, खुशबू. करेक्ट आंसर इज डी, नंदना. करेक्ट, सलमान रुशिदी इज द ऑथर ऑफ द सैटेनिक वर्सेस. करेक्ट लक्ष्य. 30th क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन वॉज रिटन बाय निराज सी चौधरी, राजमोहन गांधी, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण. निराज सी चौधरी, राजमोहन गांधी, आर के लक्ष्मण, आर के नारायण. नंदना ए. कंचन, लक्ष्य ए, खुशबू ए, दीपा ए. ओके, रेणुका डी, पूजा ए, वनीता ए, पूनम ए, ऐश ए, मानवी डी. चलो लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर इज ए, निराज सी चौधरी. ओके आंसर इज ए, करेक्ट. अब अपने मार्क्स बता दीजिए. हाय अंकिता, मार्क्स बताओ. यस अंकिता, थीका ए था. करेक्ट, आर्मी लवर, रेणुका ए. करेक्ट. आउट ऑफ 30 हाउ मेनी मार्क्स? ओके खुशबू, शिवानी, ओके गुड, साक्षी, प्रांजल 29, वेरी गुड, कंचन, पूनम वेरी गुड, पूजा वेरी गुड, ऐश गुड, दीपा गुड, नंदना 29 गुड. हाँ अंकिता हर रोज होती है. सी सुबह 8 AM पर तो क्विज होता है जीके का जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं. ओके 2 PM पर जीके लाइव होती है ये, ठीक है. 6 PM पर केमिस्ट्री की होती है और 7 PM पर बायो की होती है. ओके दीज आर ऑल द टाइमिंग्स. ठीक है कंचन, बुक्स एंड ऑथर की मैं दे दूँगी. कल का टॉपिक क्या रखें? कल का टॉपिक हम मॉन्यूमेंट्स रखेंगे. मॉन्यूमेंट्स हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल दे दूँगी सर PDF में. मोटो रखें, मोटो ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. हाँ तुम ग्रुप में बहुत ज़्यादा मोटो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, चलो वो कर लेते हैं. सो कल का टॉपिक इज मोटो ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है.
ठीक है, ये गर्ल का टॉपिक। नाउ विल मीट एट 6 PM फॉर द केमिस्ट्री सेशन। MNS MNS GRPE है ग्रुप का लिंक, ओके। इसको आप टेलीग्राम पे कर लो, सर्च कर लो, मिल जाएगा, ओके। केमिस्ट्री 6 PM, ओके। बाय एंड कमेंट डाउन बिलो।